नमस्कार दोस्तों, मैं फनी शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे एंगल क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरह से हमें जो है कि क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं, कौन से एंगल्स बराबर होते हैं, किन एंगल्स का सम जो है कि 180 होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, यानी कि सम पूरक और पूरक कोण क्या होते हैं, इस बारे में हमारी बात हो चुकी है। इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, आज अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने करवाने वाला हूं कि जो एंगल पढ़ा है तो एंगल और लाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे हमारे हो जाने चाहिए, जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग, मैं फिर से बता दूं कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो 100% SSC मेंस के लिए जो है कि बहुत ज़रा सीरियस हैं, उन्हें कुछ अच्छा करना है, इसलिए आप लोग जो है कि अपने नोट्स को अपडेट रखें, हर चीज़ को ऐड करें। जब भी टॉपिक खत्म हो जाए तो कुछ पेजेस जो है कि छोड़ दें ताकि नई नई चीज़ें उसमें हम लोग ऐड कर सकें। पूरा कंटेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट ज्योमेट्री जिसको बोल सकते हैं हम लोग, कंप्लीट मेंसुरेशन यानी कि एडवांस मैथ का वो पार्ट जिसके बाहर कुछ भी नहीं होगा, उस कंसेप्ट से ऊपर वाली बात कभी नहीं होगी, आने वाले 10 साल तक नहीं होगी, वो सारी चीज़ हम पढ़ने वाले। ठीक है, चलो दोस्तों कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहले मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ और आपसे उसी के बीच में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। पहली कहानी दोस्तों ये है कि आपसे ये दो रेखाएँ जो है कि समांतर हैं, ये समानांतर यानी कि पैरेलल लाइन्स हमारे पास में हैं, और अगर ये सीधी बन गई हैं तो हम लोग ये लीजिए, ये दो लाइंस जो है कि पैरेलल हैं। आप लोगों को जो है कि एक ट्रांसवर्सल दे रखी है, जो लास्ट वीडियो में हमारी बात हुई थी, इस तरह से कोई तिर्यक रेखा है, इसको T मान लीजिए, इसको L1 मान लिया हम लोगों ने, इसको L2 मान लिया। आपको क्या बोल रखा है दोस्तों कि इस वाले कहानी में हुआ क्या कि ये जो एंगल है आपका, इस एंगल का बाइसेक्टर यानी कि इसका कोण अर्धक, एंगल बाइसेक्टर उसको यहाँ बुलाया गया, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर यानी कि इसका भी कोण अर्धक यहाँ बुलाया गया। पूछ रहे हैं आपसे कि ये वाला एंगल थीटा, थीटा का मान कितना होगा, ये आपका पहला क्वेश्चन। ये एग्जाम के लिए आपको ध्यान करना है, मैं यहीं से वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस निकाल के बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे वैल्यूज आ रही हैं और ये सब बातें। अब दोस्तों हम समझते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाए, मैं यहाँ पर कुछ नाम रख देता हूँ ताकि आप लोगों को सहूलियत रहे। इसको मान लिया हम लोगों ने ए, ये पॉइंट मान लीजिए बी है, ये पॉइंट सी है, और यहाँ पर कोई पॉइंट डी है, इसको हम लोग ई मान लेते हैं। हमारा टारगेट है कि बी ई सी का मान हमें निकालना है, और आपको दे रखा है सर बी ई, अपने नोट्स को अपडेट करिए। मैं आपको बार बार सिखा रहा हूं दोस्तों कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरे वीडियो को लास्ट तक देख करके आपको फील आएगा हाँ सर हम लोग कंप्लीट होते जा रहे हैं, ये डॉट डॉट जो बन रहे हैं ना जीवन में वो एक बड़ी गहरी लाइन में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, उस चीज़ को आप लोग फील करो। बी जो है कि सी, ये दोनों जो है कि एंगल बाइसेक्टर है। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है हम लोग बता दें कि सर एंगल बाइसेक्टर जो है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया जाएगा, तब भी हम सिखाएंगे कोण का अर्धक, जो ऐसी लाइन किसी भी कोण को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके निकलेगी उसको बोला जाएगा एंगल बाइसेक्टर। समझ रहे हैं बात आप लोग, यानी कि आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन में हमें ये एंगल थीटा निकालने के लिए क्या क्या अप्रोच लगा सकते थे। मैं कहा सर देखो बात इतनी सी, एंगल बाइसेक्टर का मतलब हो गया ये एंगल जितना है वही एंगल ये होगा और इस एंगल के बराबर ये होगा। हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे 45 होगा या फिक्स्ड एंगल नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, है ना। अच्छा फिर देखो यहां से कि मैं अगर बोलता हूं कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी और सी इसमें जोड़ दिया जाए एंगल बी सी डी, इसको मान लेंगे एंगल बी सी और डी, ये कितना होगा, दिमाग पे जोर डालो, लास्ट वीडियो को ध्यान करो। अगर आप लोग रिकॉल कर पा रहे हैं, आपने नोट्स बनाए हैं तो अपने कुछ पन्नों को पलटो तो आपको फील आएगा ये पूरा एंगल जो है और ये पूरा एंगल जो है वो मिलाकर के कितना होना चाहिए। सर ये तो इंटीरियर एंगल है, इस बात को भूल जाओ, ये ध्यान रखो किसी भी ट्रांसवर्सल जब काटती है तो ये आंतरिक कोण बनेंगे एंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वो कितना होता है 180 होता है। इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पर क्या इसको 180 डिग्री बोल सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग बात। अब हम ये समझते हैं सर जी, ऐसा है कि आप ऐसा मान लो कि ये एंगल अल्फा है और ये बीटा है, हम इस पूरे एंगल को अल्फा मान रहे हैं, इस पूरे को बीटा मान रहे हैं, तो हम लोग क्या बताएंगे सर जी अल्फा प्लस में बीटा का मान कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। लेकिन आप अगर ट्राइंगल की बात करें किसका, बी ई सी में, तो बी सी ट्राइंगल में क्या होगा दोस्तों, हम लोग ट्राइंगल निकाले तो यहां पर अगर अल्फा है तो इसका वैल्यू क्या, मैं इसको अल्फा बाई टू बोल सकता हूं, ऐसे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बीटा बाई टू। ऐसा क्यों, पूरा एंगल अल्फा है तो आधा होगा अल्फा बाई टू, पूरा एंगल बीटा है तो आधा कितना होगा बीटा बाई टू। तो हमने कोण अर्धक की वजह से इस चीज को कंप्लीट किया कि सर ट्राइंगल एबीसी में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये थीटा जो होगा प्लस में जो है कि अल्फा अपॉन में दो होगा प्लस में जो है कि बीटा अपॉन में दो होगा, क्या इसका नाम 180 डिग्री होगा, जी हाँ सर होगा।
हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि यहां से थीटा जो है वो कितना आएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ अल्फा प्लस में बीटा अपॉन में जो है कि 2 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ है, 180 हुआ है, तो 180 डिग्री में हम लोग दो का डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। हम लोग समझ सकते हैं 180 माइनस का 90 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। आपको हमेशा के लिए ध्यान करना है कि कभी भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब रेखाएं समांतर हैं, इनके एंगल बाइसेक्टर्स आपके सामने आएंगे तो ये एंगल हमेशा बनेगा 90 डिग्री। सर बात तो अच्छी लगी, समझ में भी आया, एग्जाम में क्वेश्चन आता क्या हम लोग कर पाते, मैं कहा आप कर सकते थे अगर आपके दिमाग में ये वाली बात होती कि सर मान लीजिए दो रेखाएं समांतर ही माननी थी, मैंने मान ली और इस चीज़ को अगर मैं सोल्व करने जा रहा हूँ, मान लीजिए दोस्तों मैं इसको 120 डिग्री एंगल मान लेता हूँ तो मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा, 60 होगा। ऐसा क्यों होगा, आंतरिक कोणों का योग कितना बनता है, 180 बनता है। इसका एंगल बाइसेक्टर लेके आओ और इसका एंगल बाइसेक्टर लेके आओ तो बताइए 120 की जगह अंदर वाला कोण कितना रह जाएगा, ये बन जाएगा 60 और यहाँ से बात करें ये कितना बन जाएगा 30। तो इस थीटा की बात करूँ थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री। समझने की इच्छा होनी चाहिए, चीज़ें बड़ी आसान है। देखिए दो रेखाएं हम लोग समांतर कर लेते हैं, ये ट्रांसवर्स बना लिया, इसको 140 डिग्री मान लीजिए लेकिन दोनों को योग कितना बनना चाहिए, 180। इसका मतलब ये 40 हो गया, यहाँ से हम लोग एंगल बाइसेक्टर लेंगे कितने पे जाएगा, 20 पर। यहाँ का एंगल बाइसेक्टर कितने पे जाएगा, 70 पर। 70 और 20 अगर 90 हो चुका है तो ट्राइंगल के तीनों कोणों के योग 90 होता है, इसलिए ये भी मेरे पास 90 हो गया। ऐसे भी कर सकते थे, तरीका नंबर फर्स्ट। तरीका नंबर हम अगला लगा लें इसमें कि सर जो है कि यहां से एक लाइन अगर ड्रॉ कर दी जाए तो उससे भी हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों अब क्या है कि अगला तरीका क्या है, महंगा तरीका हम ये भी लगा सकते हैं। सोचो ये हमारे पास में दो रेखाएं समांतर हो गई, हाँ जी सर हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गया, हाँ जी सर हो गया। जरा सोच के देखिए कि सर इसमें हम लोग जो है ये जो वैल्यू बनानी है, आपने इसके एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, मान लीजिए पूरा एंगल अल्फा है और पूरा एंगल यहां तक बीटा है, इसका एंगल बाइसेक्टर यहां पर जाएगा, इसका एंगल बाइसेक्टर यहां जाएगा, मान लीजिए पी पर मिल रहा है एक बार के लिए, ये कोण आपको निकालना था ना, तो इसके लिए एक तरीका और हो सकता है। एक और तरीका क्या होगा कि हम लोग जो है कि बहुत सारे तरीकों से आगे बढ़ रहे हैं, हमें एग्जाम में तैयार होने के लिए हर चीज आनी चाहिए, हमें मेथड ये भी आना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको मजा आना चाहिए। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप करेंगे आपको फील आएगा हाँ सर हम हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो जितना जल्दी हमारा मेंटल लेवल ऐसा हो जाए कि क्वेश्चन देखा और एंगल निकाल दिया वही एग्जाम में काम आएगा, वरना आप ऐसे एक किसी मेथड पर जाएंगे तो वहां दिक्कत हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसको हमने आगे बढ़ा दिया। दोस्तों इस पॉइंट को मैं एक बार के लिए पी मान लेता हूं, ये बताइए अगर एंगल बाइसेक्टर था तो यहां पर जब मैंने इसको अल्फा बाय 2 मान करके बीटा बाय 2 मान करके थीटा का वैल्यू निकाल दिया बेसिक से, ये सोचिए कि इसको मैं अल्फा बाय 2 मान लेता हूं और इसको बीटा बाय 2 मान लूं, तब भी तो बात सही है ना। अब सोचिए यहां पर कौन सा एंगल बन रहा है, ये जेड बन रहा है क्योंकि रेखा समांतर बनाइए, पैरेलल लाइंस में क्या होगा अल्फा बाय 2 की वजह से ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा अल्फा अपॉन में 2 और ये बीटा बाय 2 तो ये एंगल कितना हो जाएगा बीटा अपॉन में 2। हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा एंगल कितना आ रहा है अल्फा प्लस में बीटा अपॉन में 2। जरा बताइए अल्फा प्लस बीटा पूरा कितना था, सर 180 था, 180 में 2 का डिवाइड कर देंगे आंसर 90 हो जाएगा। तरीका नंबर 3, फील आ रहा है आप लोगों को, यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप लोग कर पाएंगे, कभी इसमें आपको परेशान नहीं होना है। अगली बात दोस्तों हम ये कर सकते हैं यहां पर कि सर और कौन सा क्वेश्चन यहां से बनता है, सर दो समानांतर रेखाएं हैं, मैं कहा हाँ जी सर हैं, एक ट्रांसवर्सल है हाँ सर है, इसका एंगल बाइसेक्टर यहां गया, इसका एंगल बाइसेक्टर यहां पर आ गया, हमें पता है कि यहां पर कितना बनेगा एंगल 90 डिग्री। वो बोलते हैं कि सर आप इधर से भी बनाओ, कहां से बनाना है, कहते जी इस तरफ से भी जो है कि एंगल बाइसेक्टर बनाओ, मैं कहा इसका एंगल बाइसेक्टर यहां पर आएगा और इसका एंगल बाइसेक्टर यहां पर आएगा, तो आप बताइए ये पॉइंट जो ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनेगा, ये आपको जब मैं कोऑर्डिनेटर पढ़ाऊंगा तब फील करवाऊंगा, तब हम लोग इसको सॉल्यूशन भी निकालेंगे, इसका डेरिवेशन भी करेंगे। अभी आप बताइए कि आपसे पूछ लिया जाए दो समानांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल काट के चली जाती है, उनके कोण अर्धकों को ऐसे मिलाया जाता है तो बी और डी पर मिलते हैं, जो आकृति बनेगी ए बी सी डी उसका नाम क्या होगा, बताओ भाई फटाफट से बताइए। ये हमारे पास में आंसर होगा रेक्टेंगल, यानी कि आयत होगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो समझ गए यहां से। इस तरह से एक क्वेश्चन के बारे में ये सब कुछ पता होना चाहिए, फिर एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा, आएगा इसके आसपास में आएगा, हम लोग भरपूर तरीके से कर सकते हैं। तो आयत बनेगा हमेशा, रेक्टेंगल अगर है तो आप कहेंगे सर जी स्क्वायर भी बन सकता है, एक क्वेश्चन बनाइए फटाफट से दिमाग में सोचिए क्या स्क्वायर बन सकता है। स्क्वायर बनने के लिए दोस्तों ऐसा होगा कि दोनों समानांतर रेखाओं में ट्रांसवर्सल को सीधी काट जाए, सीधी काटेगी तो आप लोग जो है कि यहां से लाइन, यहां से इसका एंगल बाइसेक्टर ये बनाएंगे, यहां पर एंगल बाइसेक्टर आएगा और यहां पर एंगल बाइसेक्टर आएगा, तो अब की बार जो अगर आप एबीसीडी की बात कर रहे हैं तो ये चतुर्भुज जो है कि एक ही केस में जाकर के स्क्वायर बन सकता है, और इस तरह से वेराइटीज ऑफ कोऑर्डिनेटर्स बनते जाएंगे, समानांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज सभी बनेंगे, लेकिन इन वाले केस में जब एंगल बाइसेक्टर होगा तो 100% जो है कि रेक्टेंगल बनेगा, और मान लीजिए रेखा ही 90 बनाए थे तो क्या बन जाएगा स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप लोग बात,
चलो ये अगर कंसेप्ट आप सीख चुके हैं तो यहां पर फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझते जाइए हर चीज को, फील करते जाइए। रास्ता बड़ा आसान है, बस मेहनत करने की देरी है। हम इसी चीज को फिर से यूज करने वाले हैं कि इसी कंसेप्ट पे और क्या क्या चीजें बन सकती है, वहां मैं आपको लेके आता हूं। ठीक है भाई, तो समझ रहे ना भैया सभी लोग? बढ़िया, कमेंट करके बता दीजिए आप लोग अगर आपका रेस्पॉन्स कैसा है, आपको अच्छा लग रहा है ये कंटेंट, खराब भी लग रहा तो भी बता दीजिए, हमारे पास में सारे ऑप्शन हैं, हम सुधार करेंगे और आप लोग भी अच्छा कर पाए उसके लिए कोशिश करेंगे। चलो दोस्तों, यहां से हम लोग बात करते हैं। सर मान लीजिए ये पॉइंट को मैं आगे बढ़ाता हूं, दो रेखाएं मान लीजिए पैरेलल हैं। हाँ जी सर, ये मान लीजिए बना ली हमने समांतर रेखाएं बना ली। मैं अगर आपने समांतर रेखाएं बना ली है तो यहां से जो है कि एक ट्रांसवर्सल बना लो, मैंने ये भी बना ली। सर एंगल बाइसेक्टर नहीं हो तो क्या हो? मैंने कहा एंगल बाइसेक्टर नहीं हो मतलब कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा फिर तो ऐसा है कि मान लो कि एक लाइन यहां से आती है मेरे पास में, एक लाइन यहां से ले गए लोग। अच्छा सर ठीक है, तो ये बोलते हैं एक पॉइंट पी पर मिलते हैं, इसका नाम मान लीजिए ए है, ये बी मान लिया हम लोगों ने, इसको मान लीजिए सी है और ये मेरे पास में डी है। डेटाबेस अपने हिसाब से बना लिया हम लोगों ने। आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल बाइसेक्टर नहीं है, बस ये वाला एंगल आपको अल्फा दे रखा है, ये एंगल आपको बीटा दे रखा है, और आपसे पूछ रहे हैं कि एंगल ए पी बी कितना होगा। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हमें करना है, तो परेशान काहे होना भाई। ये पूरा एंगल है तो हम लोग इन दोनों के सम का प्रॉपर्टी जो बेसिक किया था वैसे हम लोग कर सकते हैं। अब मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, मेथड नंबर जो हमने थर्ड लगाया था उसको लगा दो। उसको लगाने से क्या होगा, ये अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। नोट्स बनाइए, ये तो क्वेश्चन लिखो, दोबारा से सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन में क्या बताएंगे हम लोग कि सर ये चीज़ तो है मेरे पास में अल्फा और ये मेरे पास में कितना हो जाएगा बीटा। ऐसा क्यों सर जी? जेड बन रहा है मतलब कि मेरे पास में एकांतर कोण है, यानी कि ऑल्टरनेट एंगल है। अल्फा अल्फा बराबर हुआ, यहां से हम लोग बात करें बीटा बीटा बराबर हुआ, तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये मेरे पास में अल्फा प्लस का बीटा बनेगा? ये बहुत ही बेहतरीन चीज हमारे पास में आई है, आप लोग इसका क्वेश्चन बना करके प्रैक्टिस करें। सर जी मान लीजिए दो रेखाएं समानांतर हैं और जिन पैरेलल लाइंस में जो है इनके एंगल बाइसेक्टर्स तो अब नहीं बनाई है, कुछ भी लाइन बना लेते हैं। मान लीजिए ये लाइन उन्होंने बना ली है और ये कहा नहीं, बोला कि सर ये वाला एंगल जो है कि 55 डिग्री है, ये एंगल मान लीजिए आपको दे रखा है 25 डिग्री है, आपको बताना है कि इस एंगल का वैल्यू कितना होगा। अब इस एंगल का वैल्यू कितना होगा उसको निकालने के लिए हम लोग परेशान नहीं होंगे, समझ जाएंगे फटाफट से कि यहाँ जो एंगल होता है और यहाँ जो होता है उसका सम ही थीटा होता है। थीटा का वैल्यू दरअसल आने वाला है 55 प्लस का 25 यानी कि 80 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, तो हम लोग हर चीज़ को फील कर पाएंगे। हाँ जी सर ये वाली बात सही है, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आएगा इसका ये डेरिवेशन रहा और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक देखो दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्वेश्चन क्या था कि दो रेखाएं आपके पास में पैरेलल हैं। हाँ जी सर, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं एक ट्रांसवर्सल इसको काट के चली जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक बोल दिया कि ये एंगल तो दोस्तों आपको दे रखा है थीटा, ये एंगल दे रखा है आपको फाई, तो पूछा है कि ये वाला एंगल कितना होगा इसको बताना है। इसको मान लीजिए एक्स डिग्री है तो एक्स का मान कितना होगा। अब आप बताइए इस क्वेश्चन में क्या था यार, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, हम लोग बताएं कि ये एंगल कितना होगा, बताइए आंसर को। हम लोग जो है कि ब्लू मार्कर से यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएं क्या तो क्वेश्चन तक था और कहाँ से सोल्यूशन शुरू किया है। थीटा और फाई क्या इसका वैल्यू थीटा प्लस का फाई बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री, 360 को रेडियन में कितना बोलेंगे 2π, यानी कि एक्स डिग्री का जो वैल्यू निकाला जाए वो कहीं ना कहीं 2π इस पूरे एंगल में से थीटा प्लस में फाई को माइनस कर दिया जाए तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो कोई माथाफोड़ी नहीं है, बड़ी आसान चीजें हैं, 2π माइनस का थीटा माइनस का फाई, बहुत जगह आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन करने वाली बात ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपका इंटरेस्ट आ रहा है मैं एक वीडियो बना करके बोल दूं देखो शानदार ट्रिक, वो नहीं है। एक क्वेश्चन शुरू किया और आपके सामने 6-7 क्वेश्चन हम लोग बना लिए। मेंस का एग्जाम क्रैक करने के लिए आपका एटीट्यूड सिलेक्शन के लिए होना चाहिए। आप लोग किसी एक पर्टिकुलर ट्रिक से या एक आध चीजें करके वहां पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। 2017 का मेंस जो है कि गवाह है इस बात का कि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, साथ में आपका माइंड बहुत शार्प होना चाहिए कि हाँ भाई हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, तभी जाकर के भाई वहां पर जो है कि एक आपके 100 क्वेश्चन बन पाएंगे 120 मिनट में। ठीक है, चलो ये समझ पाए ना सभी लोग? तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सब खत्म हो चुके हैं, हम लोग अगले कंसेप्ट पे आते हैं कि सर और क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं हम लोग। सर ऐसा जब भी हमारे पास में रहेगा कोई भी डेटा, जब रेखाएं समांतर आ रही है, समानांतर रेखाओं में क्या होगा, जैसे कि मैं पॉइंट नंबर 2 आज का सिखाता हूं इसमें कि सर मान लीजिए मेरे पास में ऐसे लाइंस जो है कि पैरेलल हैं और ऐसे 3-4 बना लो, जितनी आपको बनानी है सारी। L1 मान लिया हम लोगों ने, L2 मान लिया, L3 मान लिया, और हम लोग इस निष्कर्ष पे हैं कि सर L1 जो है कि L2 के समानांतर है और L3 के भी समानांतर है, तीनों आपस में समानांतर है। तो आपको बोल दिया इस तरह से ये बना लिया, एक ट्रांसवर्सल मान लीजिए T1 है और ज़्यादा किस्मत खराब रहे तो एक और ट्रांसवर्सल हमारे पास में T2 आ गई। तो आप ये सोचिए जरा
कि सर T1 और T2 जो है कि ट्रांसवर्सल्स हैं। इसमें क्या होता है कि रेखाएं समांतर होने के बाद में कुछ रेशियो हमेशा मेंटेन होता है। ये जब मैं आपको ट्राइंगल पढ़ाऊंगा तब दोस्तों बताऊंगा कि सर किसी भी ट्राइंगल में हम लोग ऐसे बहुत सारी लाइन्स जो है कि पैरेलल बना लें। कितनी बना लीजिए आप लोग, इसको मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या डेटाबेस हम लोग बना लेते हैं, इसको एक्स मान लें, लेंथ नहीं बनानी इसको, है ना, कुछ मान लो एक्स मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, इसको w मान लो, इसको k मान लीजिए, l मान लीजिए, m मान लीजिए, n मान लीजिए, इस तरह से रेशो है। तो वहाँ पर ट्राइंगल जब मैं पढ़ाऊंगा तो सिमिलरिटी यानी कि समरूपता जो होता है वो इस बात को प्रूव करेगा कि सारे ट्राइंगल जो है कि सिमिलर है। इसका मतलब कि x अपॉन में y का मान, k अपॉन में l लिखना भी सही है, x प्लस में y का मान जो है k प्लस में l, ये लिखना x प्लस में y अपॉन में k प्लस l, ये जो होगा x प्लस का y अपॉन में जो है कि z का मान k प्लस में l जो है अपॉन में जो है कि m के बराबर, ये भी लिखना सही है। आप चाहें तो z अपॉन में w जो है वो m अपॉन में n के बराबर भी लिख सकते हैं। मतलब कि ट्राइंगल में आपको सिखाया जाएगा कि हर चीज़ जो है कि बिल्कुल हमारे जो जो काम की चीज़ है उसको यूज़ कर लीजिए, कहाँ कहाँ से आ रहा है वैसे कर लेंगे। जबकि ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज बोलती है सर जी x अपॉन में पूरा, k अपॉन में पूरा, वो सब नहीं करना। हम लोग जब ट्राइंगल पढ़ेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इंडिविजुअली, आपको y से मतलब है, w से मतलब है, तो आप y अपॉन में w का रेशियो ले लीजिए, वो l अपॉन में n के बराबर होगा। तो हमने कहा अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाऊं, तो अगर सर आप भूल जाते हैं तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसी ही बन रही है। जरा फील करो, क्या आपके सामने जो डायग्राम है तो वो वही है क्या जो मैंने यहाँ पर बनाया है? कि हाँ सर, चीज़ तो वैसी की वैसी है। इसका मतलब कि यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि मान लीजिए ये डिस्टेंस अगर एक्स है दोस्तों, ये अगर वाई है, ये मेरे पास में जेड है और ये डब्ल्यू है, तो आप बड़ी आसानी से रेखाएं समांतर होने के बाद में बोल सकते हैं कि x का y के साथ में वही अनुपात होगा जो z का w के साथ में होगा। आप ट्राइंगल से फील करना चाहते हैं तो इसको समझने का तरीका है कि इसको ट्राइंगल मान लीजिए, तो ट्राइंगल में सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। और आप चाहें तो इसमें करने का एक और तरीका है, वो तरीका क्या है कि हम इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर दें। तो लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हम लोग बता देंगे ट्राइंगल में दिस अपॉन में दिस बराबर दिस बाय दिस होता है, लेकिन जब मैं ट्राइंगल पढ़ाऊंगा तब ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। लेकिन रेखाएं समानांतर हैं तो आप लोग जो है कि इनकी भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। चलिए सभी लोग फटाफट से अपने पेन को भी लीजिए और आंसर निकालने की कोशिश करो, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है, कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये हमने कहा एक क्वेश्चन, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसको आप खत्म कीजिए और उसका आंसर निकालिए। सभी लोग ट्राई कीजिए फटाफट से। मैं आशा करता हूँ भाई सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो अपना कमेंट दे करके रेस्पॉन्स बताएंगे कि हाँ भाई यहाँ से जो मेहनत की जा रही है उसका कहीं ना कहीं वर्थ है, वो फायदेमंद है। जैसे दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन है वो आप एक बार देख लीजिए, ये कुछ लाइंस आपको दे रखी हैं, चार लाइंस हैं और इस तरह से दो ट्रांसवर्सल इसमें काट रहे हैं। इनका नाम है दोस्तों ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये मेरे पास में पी क्यू आर एस एच है, ई एफ जी एच है, ये आपको दे रखा है ई, ये है एफ, ये जी और ये एच है। डेटाबेस में अगर देखा जाए तो आपको दे रखा है दोस्तों ये वाली साइड जो है ए बी का वैल्यू तो 4 दे रखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और सी डी का वैल्यू जो है कि 3 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला पार्ट जो है 3 है, ये आपको 4 दे रखा है। और आपको अगला बताया है कि सर अगर ई एफ का वैल्यू 12 हो तो ये वाला वैल्यू 12। अच्छा, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जी एच का मान कितना होगा, हम लोग अभी नहीं बता पाएंगे सर जी, क्योंकि बी सी का वैल्यू हमें नहीं पता। तो अगर कोई मेरे से एफ जी का मान पूछता है तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इनका रिलेशन निकाल सकता हूँ। वो क्या कि सर आपका जो भी काम की चीज़ है 4/3 जो है कि 3, क्या मेरे पास में 12/2 एक्स होना चाहिए? 4 के 3 बार तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, तरीका नंबर एक। हाँ जी सर, या फिर हम लोग एग्जाम में सीधे ही क्वेश्चन को देखें भाई, पहले जब हमारे टाइम पे जब सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पर तो दोस्तों क्या था, रिटर्न वाला पेपर होता था, मतलब जो ऑफलाइन था, ऑनलाइन नहीं था, तो वहाँ पर तो अगर डायग्राम हमारा 4 से काटा 12 की 1:3 हो रहा है, मतलब हर चीज़ का रेशो कितना आएगा, 1:3 इस तरह मैनेज होगा। अच्छा 1:3 हो रहा है, तो यहाँ पर 3 है, तो 3 आपकी भाषा में है, 1 मेरी भाषा में है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 निकालना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ऐसे मामला हो गया। तो चीज़ें करने वाला है हमारे पास होनी चाहिए, हम ज्योमेट्री में भी जहाँ जहाँ पे रेशियो लगेगा वहाँ वहाँ पर आपकी भाषा मेरी भाषा लगा सकते हैं कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। अरे हाँ ना बोल फटाफट से, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया, ऐसे भी और क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, आप उनके जवाब दीजिए। जैसे कि अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, वो आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सर ये लाइन हमारे पास में है, यहाँ पर एंगल दे रखा है आपको 35 डिग्री, और ये एंगल आपको दे रखा है दोस्तों 47 डिग्री। आपको बताना है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये थीटा का वैल्यू आपको बताना है। चलिए कोशिश कीजिए फटाफट से, इसमें क्या कनेक्शन है। ओहो, ये लाइन थोड़ी सही बना लीजिए,
ये 35 डिग्री का है मामला, और ये लाइन आपको दे रखी 47 डिग्री। आपको बताना है कि थीटा का वैल्यू कितना होगा। ये अगर L1 है और ये L2 है तो L1 का जो पैरेलल होगा L2 के, ये कंडीशन आपको दे रखी है, और आपको बताना थीटा का वैल्यू कितना होगा। फटाफट ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ये जितनी मेहनत है उसमें बराबर रेस्पॉन्स मिलेगा तो काम करने में मजा आएगा। जब भी अच्छा काम किया जाए उसकी तारीफ करो, उसको बताओ कि हाँ भाई ये चीज़ें से हमें फ़ायदा हो रहा है, तो अगले में भी हिम्मत आती है कि हाँ भाई इस मेहनत का कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है, लोगों को उनको अच्छा लग रहा है, तो लगातार काम किया जाए और काम किया जाए और अच्छा किया जाए। समझ रहे ना आप लोग बात। अब तक हमने बहुत अच्छा पढ़ा है, अर्थमेटिक का जितना भी पोर्शन मैंने आपको पढ़ाया है वो एग्ज़ाम में उसके बाहर कुछ नहीं आया, लेकिन ज्योमेट्री मेन सोचे मैंने वादा किया था, कुछ टाइम में हम रुक गए थे, मुझे बाहर जाना था इस वजह से, लेकिन आज हम लोग तैयार हैं, हम लोग बढ़िया से करने वाले हैं। मेंस तक के एग्जाम तक के लिए आप लोगों को पूरी तरीके से मुझे तैयार करना है। मैं चाहता हूं कि ज्योमेट्री मेंस सॉल्यूशन का कोई क्वेश्चन आपके चंगुल से बाहर नहीं निकले, हर क्वेश्चन को आप लोग क्रैक कर सकें। ठीक है, चलो वो सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालिए फटाफट से। ट्राई कीजिए कि सर एक ही तरीके से नहीं और कोई तरीका लग सकता है क्या। ज्योमेट्री को पढ़ने का तरीका यह है कि सर आपको संतुष्ट नहीं होना, सर ये भी लगा सकते हैं क्या, वहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बार बार आपको फील करना है, जैसे कि इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, उसको आप ट्राई कीजिए। एक क्वेश्चन है दोस्तों आपको, ये है, ये बहुत बार एग्जाम में चलता रहता है, बहुत लोग पूछते रहते हैं इसके बारे में। ये एंगल है आपको 50 डिग्री का, ये एंगल है आपके पास में 120 डिग्री, और इस लाइन का नाम L1 मान लीजिए और इस लाइन का नाम L2 मान लीजिए, और आपको दे रखा है भाई L1 जो है वो समानांतर है किसके, L2 के। आप लोगों को बताना है कि ये एंगल कितना होगा, थीटा का वैल्यू को बताना है। ठीक है, और क्वेश्चन देते हैं, सभी के आंसर निकालिए आप लोग। एक आपको दे रखा है दोस्तों, ये है कुछ इस तरह का डायग्राम है, यहाँ पे कोई पॉइंट बता रखा है ई, और ये एक लाइन नीचे ड्रॉ कर दी। ये एंगल आपको दे रखा है दोस्तों 130 डिग्री, और नाम रख देते हैं कुछ भी, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लो, इसको डी हमने मान लिया। और टारगेट जो है इस क्वेश्चन का वो दे रखा था, ये वाला एंगल अगर 20 डिग्री हो तो इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, थीटा आपको बताना है यहाँ कितना होगा। ठीक है, ये ट्राई करो। इसके बाद में एक क्वेश्चन और आएगा, क्वेश्चन में जो है कि तीन समानांतर रेखाएं आपके पास में होंगी, यहां, और तीन समानांतर रेखाओं में कुछ ऐसा है डायग्राम, मैं आपको बना देता हूं, इसको ब्लू मार्कर से बनाते हैं हम लोग। सभी लोग आंसर निकालिए, कोशिश कीजिए कि हम लोग कर पाएं। आप लोग वीडियो देख रहे हैं मतलब कि आपका मन है ज्योमेट्री सीखने का, जब सीखने का मन मानस बना लिया है तो क्यों रुका जाए फिर। ठीक है भाई, यहाँ से हम लोग इसको मिला देंगे, ये पॉइंट आपको दे रखा है, और एंगल की हम लोग बात करें तो इस लाइन को यहाँ से मिला करके ये एंगल दे रखा है दोस्तों 30 डिग्री, और ये एंगल का वैल्यू दे रखा है आपको 125 डिग्री, और ये एंगल है आपके पास में 80 डिग्री। आप लोगों ने बताना है कि ये एंगल कितना होगा। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ, जो अच्छे क्वेश्चन लग रहे थे कि जिनमें कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं डेटा दे रखा है आपको फटाफट से आंसर आ गया, वैसा कुछ करना ही नहीं है। हमें सीखना है, मजबूती लेके आनी है हमारे कॉन्सेप्ट्स में, इसलिए आपके सामने इन क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में यह है कि सर रेखाएँ अगर समानांतर हैं L1 और L2 तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, मैं उससे क्या होगा। सर लाइन्स अगर पैरेलल होंगी तो अगर ये 47 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या 47 होना चाहिए क्या, क्यों होना चाहिए। सर जी करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कि संगत कोण। अच्छा, ये 35 है तो ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए। सर 35 होना चाहिए क्या। हाँ सर, यानी कि मेरे पास संगत कोण अगर यहाँ से यहाँ तक 35 है और आगे तक का 47 है तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये जो थीटा होगा, थीटा का वैल्यू 47 डिग्री प्लस का जो है कि 35 होने वाला है, यानी कि मेरे पास में जो है कि ये हो जाएगा 5, 7, 12 यानी कि 82 डिग्री, 82 डिग्री का आपका वैल्यू आएगा थीटा। तो थीटा आसानी से हमने निकाल दिया। सर और कोई तरीका है क्या। अगर तरीका तो है, हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये आपको दे रखा है, इसी क्वेश्चन में सोल्व करवा रहा हूँ, देखिएगा कि सर ये एंगल आपको दे रखा था, ये है दोस्तों 47 डिग्री, और इसी के समानांतर हमने एक लाइन बना दी, ये है मान लीजिए 35 डिग्री,
और आपको अब बताना है कि ये एंगल कितना होगा। जरा सोचिए, इस लाइन को मैं पीछे बढ़ा सकता हूँ क्या? हाँ जी सर, इस लाइन को इधर से पीछे बढ़ा दें क्या? हाँ सर बढ़ा सकते हैं। ये 47 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 47 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? हाँ जी सर नहीं है। अच्छा, ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये 35 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? सर 35 होगा। अच्छा, तो हमें तो ये वाला एंगल निकालना था ना थीटा। अभी आपने नहीं पढ़ रखा ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कि बहिष्कोण जो है कि आंतरिक कोणों का योग होता है। कोई बात नहीं, हम लोग ये वाला एंगल निकाल करके फिर 180 में से माइनस कर देंगे। तो 180 डिग्री इसमें से माइनस कर दिया जाए, 47 प्लस का 35 यानी कि 82 डिग्री ये माइनस कर दिया जाए, यानी कि इन दोनों तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, दोनों मिला करके 82, उसको 180 में से माइनस कर दिया, तो आपको कौन सा एंगल मिलेगा? ये वाला, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आएगा? 180। इसको दोबारा से हम लोग 180 में से माइनस कर दें तो 180 से 180 कैसे हो जाएगा? माइनस होने प्लस हो जाएगा। आंसर कितना हो गया जी? 82 डिग्री आपका आंसर हो गया। तो हमें तो करना आना चाहिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, किसी एक तरीके में मत रुकिए, बार बार अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या हम लोग इस सवाल को और अलग तरीकों से कर सकते हैं क्या। ठीक है, चलो अब आते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, इसका आप सॉल्यूशन लिख लीजिए। ये बेहतरीन क्वेश्चन है जो हम लोग ज्योमेट्री की शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ पर जरूरी है कि इन सब चीज़ों को समझा जाए, इन क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएं, ताकि जब ये सर्कल के अंदर या समानांतर चतुर्भुज के अंदर आ जाए, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ जाए, तो वहाँ पर हम लोग कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो वरना शॉर्टेस्ट मेथड तो बहुत होते हैं, हम लोग लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा बताइए, एंगल थीटा पूछ रखा है, तो थीटा बताने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती तो। अच्छा, उस लाइन को हम लोग ब्लू से बना लेते हैं। तो अगर हम लोग बताएं कि सर यहाँ पर कोई एक लाइन ऐसे होती जो इसके समानांतर खींच दी जाए, तो हमें ये वाला एंगल उतना ही होगा जितना ये वाला कोण होगा। क्यों? जेड बन रहा है सर। मैं कहा सही है फिर तो, अगर जेड बन रहा है तो बताइए दोस्तों कि ये भी तो हमारे पास में एक लाइन बन रही है ना, कि हाँ सर लाइन तो बन रही है। अगर लाइन बन रही है तो 120 और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का क्या मतलब है? सर इंटीरियर एंगल है, इनका सम कितना आएगा? सर 180 आएगा। मतलब कि ये एंगल क्या मेरे पास है? 60 होना चाहिए। अच्छा ये 60 है, ये 50 है, मिलाकर के पूरा कितना हो गया? 110। इसलिए थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? 110 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? और तरीका निकाल सकते हैं हम लोग, इस लाइन को और आगे बढ़ा दो। अगर आप और आगे बढ़ाते हो तो ये एंगल कितना आएगा? 70 डिग्री। दोनों का सम कितना आना चाहिए? 180। तो भी थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 110। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें दे रखा है वही सारी चीज़ें कि ये मान लीजिए रेखाएं समानांतर हैं, इसको ए बी सी डी ई मान लीजिए, तो आपको ये गिवन है इसमें कि सर डी जो है वो पैरेलल है किसके? बी सी के। आपको समानांतर रेखाएं दे रखी है, थीटा का मान निकालना है कि सर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करें। सर ऐसा कैसे कर पा रहे हैं हम बार बार? मैं कहा कोशिश करो, आप भी कर पाओगे। ये अगर 130 है तो ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, समांतर को में ये ट्रांसवर्सल हो गई, मतलब कि इस एंगल और इस एंगल में रिलेशन बन गया। मैंने क्या रिलेशन बन गया? सर आंतरिक कोण है। आंतरिक कोणों का जो कितना होता है? सर 180 होता है। कहाँ से पढ़ा? लास्ट वाले वीडियो में। कितना हो जाएगा मेरे पास में? ये 50 हो जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर ये लाइन इसके पैरेलल चल रही है पूरे के, तो क्या ये वाला एंगल और कंप्लीट एंगल जो है ये कहीं ना कहीं इंटीरियर एंगल बन गया फिर से? हाँ सर बन गया। मतलब कि 70 ये है तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? दोनों का सम कितना आना चाहिए? 180, यानी कि थीटा फिर से 110 डिग्री आ जाएगा। हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, हम चाहें तो इस लाइन को जो है कि पीछे ही बढ़ा सकते थे, वो काम हो चुका है। तरीका नंबर सेकंड बता रहा हूँ, मेथड नंबर सेकंड में हम लोग कैसे ट्राई करेंगे, इस लाइन को पीछे बढ़ा दीजिए। इस लाइन को पीछे बढ़ाएंगे तो आप लोग बताएंगे सर जी ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से? ये मेरे पास है 50 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एक लाइन में बनने वाला एंगल कितना होता है? 180। अच्छा 50 है, रेखा समानांतर है, मतलब ये भी 50 हो गया। सर जी ये कहाँ से कर लिया आपने? मैं कहा भाई एकांतर कोण बन रहा है। अगर एकांतर कोण है, 50 और 20 कितना होगा? 70। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होगा? 180 डिग्री। हम लोग थीटा का मान निकाल सकते हैं फटाफट से, थीटा वैल्यू कितना आ जाएगा दोबारा? 110 डिग्री। समझ रहे हो दोस्तों बात? अरे समझ रहे हो क्या? हाँ चलो आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की कहानी का। सर ये जो है कि तीन समानांतर रेखाएं हैं, L1 है, L2 है और L3 है। आपको दे रखा है L1, L2 और L3 जो हैं ये पैरेलल हैं, यानी कि आपस में जो है कि समानांतर हैं। अगर ये समानांतर रेखाएं हैं तो हम लोग दोस्तों ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आपको जो एंगल थीटा निकालना था, तो थीटा निकालने बहुत तरीके हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग कर पाएँ, अपने जवाब जो है कि कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि इस मेहनत को सही दिशा में लेके मैं जा सकूँ। मुझे फील है हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। बताइए भाई कैसे हम लोग इसमें कोशिश करें, क्या करें थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। तो हमने कहा था देखो, एक चीज़ तो यहाँ से नज़र आ रही है कि ये एंगल अगर 80 है और ये वाला एंगल 125 है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर 125 के हिसाब से ये मेरे पास में 55 डिग्री का कोण बन गया। 55 हो गया, हाँ जी सर हो गया। ये 55 हुआ,
तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर भी अटैक कर सकते हैं, ये 55 बनने जा रहा है, लेकिन मेरे से इसका कोई फायदा होगा कि नहीं होगा आपको, या तो ये पूरी वैल्यू मिलनी चाहिए। सर पूरी तो क्या दिक्कत है, ये 30 है तो शीर्ष अभिमुख कोण होने की वजह से ये वाला एंगल 30 बन जाएगा, ये 55 है तो पूरा शॉट मारो, ये मेरे पास में कौन सा एंगल बन जाएगा कि सर ये मेरे पास 55 है तो इस एंगल को बोला जाएगा 55, और 55 मिला करके 30 में कितना हो जाएगा 85, पूरा एंगल बन गया, पूरा 85 है, यहाँ पर मेरे पास में 80 बन चुका है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इस वाले त्रिभुज में हम लोग 80 प्लस का 85 तो फाइंड आउट कर चुके हैं, मतलब कि 165 हमारे पास में आ चुका है, और पूरा एंगल मान लीजिए 180 डिग्री है, माइनस का 165 कर दिया जाए यानी कि 15 डिग्री आपका जो है कि थीटा का मान आ जाएगा। तरीका नंबर तो यही होगा। एक तरीका ये हो सकता है दोस्तों कि हम लोग इस क्वेश्चन में इसको हटा दिया जाए, इसको लिख लीजिए एक बार के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो, मेथड नंबर फर्स्ट है। मेथड सेकंड मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए हम लोग दोबारा इसको शुरू करते हैं, ठीक है भाई। चलो तो यहाँ हम लोग देखते हैं जी, अब और कोई तरीका लगा सकते हैं क्या? महंगा और तरीका यह है कि यहाँ तक का पूरा एंगल मिल जाए तो कैसा रहे, तो महंगा इतना तो नहीं पता, बाकी हम एक बार जानते हैं। मैंने क्या भाई कैसा, ये वाला एंगल 30 होगा, अच्छा ये वाला एंगल 30 होगा, जेड बन रहा है मतलब कि ये भी 30 होगा, एकांतर कोण, हाँ जी सर 30 होने की वजह से ये 30 होने वाला है। फिर हम लोग ये बात सोचेंगे सर आपको जो है टारगेट ये था ये पूरा एंगल बन जाए, मैंने कहा पूरे एंगल की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये 85 है और ये 55 है, तो बताइए ये मेरे पास में 8 5 13 135 बन रहा है, यानी कि ये एंगल कितना होना चाहिए सर जी, 45 होना चाहिए। तो जरा सोचो यहाँ से एक और जेड बन रहा है, बहुत बड़ा वाला जेड, यहाँ पे चले जाइए, ये मेरे पास में 45 है तो ये पूरा एंगल भी कितना होना चाहिए 45, 45 में 30 को माइनस करेंगे तो थीटा वैल्यू कितना आ जाएगा 15 डिग्री। किसी भी एक तरीके से नहीं, हम जिस रास्ते से आगे बढ़ जाएं वहीं से वहीं हमारे पास में सोल्यूशन निकलना चाहिए, इसे बोलते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, हमें हर चीज़ समझ में आ रही है। तो हमने आपको दोस्तों सिखाया अभी तक कि एंगल्स के सारे काम, एंगल्स के सारे क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, हो सकता है इससे अपर लेवल के क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाएं, लेकिन इस बात में आप निश्चिंत रहिए कि जितने भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाए हैं, जो भी चीज़ें मैं को समझा रहा हूँ, इनके आसपास ही होगा, आप लोग कर सकते हैं। एग्जाम के लिए तैयार होइए, अपनी उम्मीदों को जो है कि नई उड़ान दीजिए। मैं फनी शर्मा हमेशा आपके साथ हूँ, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है इसका वर्थ है, यानी हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको और उसका कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है, तो मेंस में उन सभी विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है, क्यों ना आप शेयर कर दिया जाए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।